calculate the total number of images formed when two mirrors placed at 120 degrees. And the object placed symmetrically. Symmetrical means this is 60 and this is also 60. ठीक है? Object is on perpendicular, sorry. Object is on angle bisector. M1 की बात करें तो इसकी इमेज कहां बनेगी? 60 डिग्री पे है तो 60 डिग्री पे आगे बन जाएगी यहां, ये हुआ I1 है ना, ठीक है I1। I2 अगर देखें, ऑब्जेक्ट यहां से भी 60 डिग्री पे है तो यहां से भी 60 डिग्री पे ही बनेगा, ये थोड़ा सा सर्कल नीचे आ गया, इसको और बड़ा करो, सिक्सटी डिग्री पे है तो 60 डिग्री बनेगी यहां पे आई टू। अभी देखो, अब क्या इसकी और भी पॉसिबिलिटी है इससे इससे ज्यादा बनने की? अब अगर आई वन है, आई वन की इमेज आप बनाना चाहो M2 में, तो ये तो M2 वाली लाइन पे ही आ गया, तो इसकी इमेज बना पाएगा क्या? कोई रे ही नहीं इंसिडेंट होगी M2 पे, होगी क्या? ऐसे ही यहाँ पे I2 पे, I2 से भी जो रे निकलेगी वो M1 पे नहीं इंसिडेंट हो पाएगी रिफ्लेक्टिंग पार्ट के उस पे। तो हम कहेंगे अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे रे जा नहीं पाएगी तो फिर फर्दर कहां से इमेजेस बनेगी? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी है? अगर मैं 360 को डिवाइड करूं 120 से कितना आता? 3। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी है? 2। 3 माइनस 1, 3 माइनस, ठीक। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी 360 पे सॉरी 120 डिग्री के इंक्लिनेशन पे जो मिरर्स हैं एसिमेट्रिकली कोई ऑब्जेक्ट रखो, यहां से 30 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, अब जरा कैलकुलेट करें कितने नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे। ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये I1 की लोकेशन, ठीक है, I2 की लोकेशन 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे ही जाके पीछे बन जाएगी I2। ठीक है,
यानी ये वाला एंगल कितना है, ये भी 30, वाई बिकॉज दिस इज 60, ठीक है। अच्छा अब क्या I1 की कोई इमेज बनेगी M2 में बनेगी, बनेगी 30 डिग्री पे। अच्छा जरा इसकी बात कर लेते हैं, I2 की कोई इमेज M1 में बनेगी क्या? क्यों नहीं, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा ना ये, बोलो। लेकिन I1 की इमेज M2 में बन जाएगी 30 डिग्री पे। I1 2 ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी आपकी बात? फॉर्मूला नहीं फेल हुआ, फॉर्मूला अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, इसीलिए अभी हमने कोई फॉर्मूला यूज किया क्या? नहीं। 360 बाई अगर 120 करें तो कितना आता है? 3 ही आता है, तो जितना आ रहा है उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, ठीक है। अच्छा अगर हमने 90 डिग्री लिया था तो कितनी इमेज बन रही थी? 3 बन रही थी, चाहे आप सिमेट्रिक रखो चाहे असिमेट्रिक रखो, 3 ही बन रही थी, बोलो। और यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे दो टाइप की इमेजेस बन रही है, एक तो नंबर ऑफ इमेजेस 2 बन रही है और एक 3 बन रही है। दो कब बन रही है? जब आप सिमेट्रिकल रख रहे हो। और तीन कब बन रही है? जब आप एसिमेट्रिकल रख रहे हो, ठीक है। अब यहां से हम कुछ कयास लगा सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस के लिए, अगर फॉर्मूला कोई कहे कैसे करोगे तो क्या बताओगे? बंद कर दे, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसा होगा? 360 बाई थीटा, और 360 बाई थीटा माइनस 1 कितना कब होगा? जब सिमेट्रिकली, ठीक है। तो फर्स्ट बार जब फर्स्ट टाइम होगा, पहले तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, जो भी इमेजेस बनेगी क्या इसी लाइन पे बनती हुई चली जाएंगी, दोनों पैरेलल हैं। और टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अपन जानते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 0 कर दोगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस बन लेते हैं, ठीक है। माइनस 1 भी करेगा तो विद इन्फिनाइट, इन्फिनाइट अगर कोई सागर है, सागर में से एक लोटा पानी निकाल लो, एक बल्टी निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा? हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 सेंटीमीटर दूर रखा है तो 4 सेंटीमीटर में पहले यहां बनेगी इमेज आई वन, ऐसे यहां से 6 पे है तो 6 पे बनेगी आई टू। अब देखें I2 M1 के सामने आ रहा है, I2 M1 के सामने आ रहा है, कितनी दूरी पे आ रहा है? 6 प्लस 10 16, ठीक है। तो अब 16 सेंटीमीटर दूर इसकी इमेज बनेगी M1 में। अब इधर जगह खत्म होगी, ये है I2 1, ऐसे ये कितनी दूरी पे आएगा? 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर जाओ यहां से, यहां बनेगा आई वन टू, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है अपने पास, जो इमेजेस बन रही है, एम वन ले लो, इधर ले लो एम टू, ठीक है। एम वन से कितनी डिस्टेंस पे है? 4 सेंटीमीटर, तो पहली इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? 4 सेंटीमीटर पे है, और यहां से 6 सेंटीमीटर। अब जब आप दूसरी इमेज बनाओगे तो इसमें कितना ऐड कर दोगे भाई?
10 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे तो M2 पे इमेज बनेगी कितनी दूरी पे, 10 प्लस 4 14 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, पहली बनी 6 पे, दूसरी कहां बनी 14 सेंटीमीटर पे, आया ना? ऐसे यहां पे भी ऐड करो प्लस 10, तो इसके लिए दूसरी कहां बनेगी 16 सेंटीमीटर पे। फिर इसमें ऐड करोगे आप प्लस 10, यहां भी ऐड करो प्लस 10, तो यहां पे कितना बनेगा ये 14 प्लस 10 24, इसके लिए तीसरी कहां बनेगी 16, हां 26 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। ये तो चलता ही जाएगा ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट बन रही, ये तो प्रोसेस अपने चलता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो ये है लोकेशन नंबर, ये अगर हम बात करें तो ये हो गई आई वन, ये हो गई आई टू, ये हो गया क्या आई टू वन, ये हो गया क्या आई वन टू, ये हो गया आई वन टू वन, ये हो गया आई वन टू वन, आई टू वन टू, ठीक है। पहला समझ में, अगर आपसे पूछे कि दसवीं वाली जो टेंथ वाली वो बनेगी इमेज M1 में जो टेंथ इमेज बनेगी उसकी लोकेशन क्या होगी, तो कैन यू टेल, बता लेंगे ना इस तरीके से, ठीक है। दस तक करते चले जाओ, निकाल लो, ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन था क्या कुछ इस तरीके से, ये मिरर M1 हो गया, ये हो गया मिरर M2, और सिमेट्रिकली एक दूसरे से ये सपोज 1 मीटर पे रखें, अब सिमेट्रिकली मतलब 50-50 सेंटीमीटर पे या 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहां से 5 यहां से, ये ऑब्जेक्ट रखा है, एक सी क्वेश्चन है ये। अब आपसे पूछा गया था उसने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑप्शंस क्या क्या थे, ए ऑप्शन 1, कोई नंबर ऑफ दीज ऑप्शन था, बी 2, सी इनफाइनाइट, डी नोटा, वन टू इंफिनिटी नोटा, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, कितना कौन सा इनफाइनाइट, जीरो डिग्री पे इनफाइनाइट, ठीक है पक्का इनफाइनाइट। अब देखिए भाई काम की बात, एक रे यहां से चली, यहां टक्कर मारी, उसके बाद फिर इधर चली गई, क्या इसकी कोई संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी है कि ये M2 से भी टकराए, M2 से टकराने की कोई संभावना दिख रही है, अगर कोई रे यहां से निकली M2 पे टकराई और फिर ऐसे निकल गई, क्या ये रे फिर जाकर कभी M1 पे टकराएगी, कभी टक्कर होने की संभावना दिख रही है आपको, जब टक्कर होने की संभावना नहीं है तो भाई एक इसकी इमेज तो भाई इसके इधर बन जाएगी, एक तो आई वन और एक इसके इधर बन जाएगी आई टू, बस इनके अलावा और कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी तो होना चाहिए, एकदम रिफ्लेक्टेड रेस तो मिलनी चाहिए, जब फिर से इस रे का इसमें रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं,
तो फिर इमेज कहां से बनेगी? कब तक इमेज बनेगी? जब तक रिफ्लेक्शन हो, कम से कम एक रे दो रे तो मिले, यहां तो एक भी नहीं मिल रही है इसकी। ये तो सीधे कोई भी रे आप डाल दो, उसे कोई भी एंगल पे डालो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल नेवर मीट एन टू। इसकी एक्सिस पे डालने की जरूरत नहीं है, वो तो भाई ये दो ही इमेज बनेगी। पर तो इधर आप ये कह रहे हो ना, इधर डाला ऐसे गया फिर इधर गया, इधर डाला ऐसे गया फिर इधर गया, तो भाई इसकी तो ये इमेज तो बनाई थी मैंने, वो तो यहीं पे बनेगी जाके कटाकट, वो तो चाहे जितनी आए एम वन एम टू आई वन आई टू ही बनेगी ना। तो आई वन आई टू ही बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है यहाँ? इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी। अब सोचिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आया होगा तो पहली बार देखने, पहली बार बच्चे ने, अब ये समझ लो कि 70% क्या 80% क्या 90% बच्चे तुरंत लगाएंगे इन्फिनिटी। थोड़ा और जो कंफ्यूज होंगे ना, नाम दे बाबे यार छोड़ो ये ना, कुछ तो उसमें भी रहते हैं एवरेज वाले रहते हैं, वो इसमें चले गए, जिनको नहीं पता कि क्या हो रहा है और ये हैपनिंग। अब जो 4% बच्चे होंगे वो समझेंगे हाँ तो इस तरह, ठीक है।